बहुत दिनों से मैं अपने एंट्रेंस का एक नया मेकओवर करना चाह रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे अपना नया मेकओवर किए हुए। तो काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं अपने मेरे एंट्रेंस में, और काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने रीकलर भी किया है ताकि उनमें एक नया लुक आ जाए और वो देखने में ज़्यादा अमेजिंग लगे। तो कुछ ऐसे ही नए आइडियाज़ के साथ ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू पूनम्स क्राफ्ट एरिया एंड यार्ड। आज की वीडियो में मैं अपना एंट्रेंस मेकओवर का फोर्थ पार्ट शेयर कर रही हूँ, और जैसे कि यहाँ पर मेरे सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो शेड लविंग प्लांट्स हैं। तो ये पहला प्लांट जो है मेरा रियो और वॉन्डरिंग ज्यू का कॉम्बिनेशन है, और इधर मैंने ऐड किया है वाइट एग्नोलिमा को। इसमें काफ़ी सारे नए बेबीज़ भी आ गए हैं, और मेरा छोटा सा सिंगोनियम अपने प्लांटर में बहुत अच्छे से हैप्पीली चल रहा है, और इसमें से भी मैं कुछ प्लांट्स डिवाइड करती रहती हूँ। तो अगर आप भी थोड़ा सा प्लांट के बारे में नॉलेज रखते होंगे तो आप भी ऐसे सेपरेट कर काफ़ी सारे नए प्लांट्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐड किया है पिंक एग्नोलिमा, और इसकी जो लीफ का कलर है आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये फॉलीएज प्लांट्स भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, और अगर आप इनको बहुत सही तरीके से रखें तो ये आपके लॉन्ग टर्म चलने वाले प्लांट्स होते हैं, तो ये काफ़ी साल तक आपका साथ भी देते हैं। तो इस तरह से मेरे क्रिप्टैंथस छोटे से मिनी प्लांटर्स में कितने प्यारे लग रहे हैं, और बनी ईयर भी, और यहाँ पर आप सबका फेवरेट कैटरपिलर भी आ गया अपने छोटे से प्लांट्स के साथ। नई चीज़ मैंने यहाँ पर एक और ऐड करी है, वो है सेरेमिक प्लांटर्स। यहाँ पर मैंने फाउंटेन के आगे सेरेमिक प्लांटर्स में काफ़ी सारे फॉलीएज प्लांट्स लगाए हैं, जैसे कि ये कैलेथिया देखिए पिंक वेंस के साथ, और ये रेड लिपस्टिक, रेड एग्नोलिमा कहते हैं इसको, ये भी बहुत अच्छे से यहाँ पर सर्वाइव हो रहा है, और ये भी मैंने डिवाइड करके बनाया है। ये दोनों प्लांट्स मेरे रेड एंड वाइट एग्नोलिमा मैंने डिवाइड कर बनाए हैं। और यहाँ पर क्रेसुला भी आपका देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पर मैंने ऐड किया पिंक सिंगोनियम को। सिंगोनियम के मेरे पास चार कलर्स हैं, और चारों कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। पिंक मेरा सबसे फेवरेट कलर है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे ये कैक्टस भी काफ़ी टाइम से अच्छे से चल रहे हैं और काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये आप सबका फेवरेट मेरा फाउंटेन, और यहाँ पर आगे मेरे नए पॉट्स। और यहाँ पर मैंने पहले जूट का लैंप हैंग कर रखा था, जिसको मैंने चेंज कर एक बास्केट को कन्वर्ट कर दिया है, और उसका लैंप शेड बना दिया है जो कि काफ़ी कलरफुल भी लग रहा है देखने में। तो इस तरीके से इस कॉर्नर का जो है एक नया लुक निकल कर आया है वो बहुत ही अमेजिंग है। फाउंटेन का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है गोल्डन टच देकर, और मेरे प्लांटर्स और कैटरपिलर सब बहुत अच्छे से यहाँ पर देखने में लग रहे हैं। और यहाँ पर जो मेरी आयरन टेबल के ऊपर मैंने टेबल क्लॉथ का यूज़ किया है, ये मेरी हैंडमेड बाटिक पेंटिंग है। और इस तरफ मेरी जो बोनसाई है फाइकस की, आप देख रहे हैं वो भी अभी तक बिल्कुल हेल्दी है। इसको मैंने डिवाइड किया था काफ़ी टाइम पहले, और इस विंडो पर मेरे आ गए कोचिया के प्लांट्स, जो कि एक ग्रीनरी ऐड कर रहे हैं मेरे इस एरिए में। यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ टर्टल वाइन का एक प्लांट, और इस तरफ जो है मैंने ऐड किए हैं चरोखा एंड लीफ, ये दोनों मेरी DIY हैं। मेरी जितनी भी DIY हैं उनकी प्लेलिस्ट मैं आपको शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप किसी भी चीज़ को देखना चाहें तो प्लीज़ आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये जो मेरी लीफ है ये मैंने बनाई थी टेराकोटा क्ले से, और ये मेरे हैं जो मेरे कार्डबोर्ड होता है उससे बनाए हुए झरोखा हैं ये। तो मैंने चार कलर के अलग अलग झरोखा बनाए थे डिफरेंट डिज़ाइंस के, आप देख सकते हैं इसमें मिरर वर्क, क्ले वर्क और कोन वर्क सब कुछ मैंने किया हुआ है। तो ये भी देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस वॉल पर। इस वॉल पर मेरी हैंडमेड पेंटिंग जो मेरी रिसेंटली DIY है वो भी मैंने ऐड करी है। यहाँ पर पहले मेरे सारे बैम्बू प्लांटर्स लगे हुए थे, अगर आपने पहले मेरा चैनल देखा हुआ है तो। इस जगह पर मैंने प्लांट्स को थोड़ा रिमूव कर पेंटिंग और दूसरी चीज़ों को ऐड कर दिया है, तो इससे मेरी अब जो वॉल है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रही है। तो इस तरह के आइडियाज़ आप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा फिलोडेंड्रन का टॉपेरी है जो मैंने कोन प्लांटर बनाया था। ये वाला प्लांट मेरा कटिंग के थ्रू मैंने रेडी किया है, और मैंने डिवाइड करा है मदर प्लांट से। तो इस तरफ आप देखेंगे तो ये मेरा मदर प्लांट है,
इसमें से मैंने कटिंग्स निकाल कर उस पॉट में लगाई और सेम प्लांटर्स दोनों रेडी किए हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इधर आ गया मेरा फेवरेट आई लव यू का प्लांटर, ये भी मेरी रीसेंट DIY है, आप देखना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। इसके सारे प्लांट्स बहुत हेल्दी चल रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है देखने में ये भी। और एंट्रेंस की दूसरी तरफ की वॉल पर मैंने ऐड किए हैं कुछ क्रोटन के प्लांट्स। क्रोटन मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट होता जा रहा है, मतलब मेरे को फॉलिएज प्लांट्स तो जानिए आप कैसे पसंद आने लग गए हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ही सुंदर सुंदर वैरायटी के मैं फॉलिएज प्लांट्स को ऐड करूं अपने यहाँ। सबसे बड़ी बात है, एक तो ये बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाले प्लांट्स होते हैं, हर सीज़न में आपको इनको बदलना नहीं पड़ता है, बट थोड़ी केयर करनी पड़ती है, जैसे कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती इनको। और इनके कलर्स देखिए कितने अमेजिंग होते हैं, तो इनको एक ब्राइट लाइट चाहिए होती है, एकदम जैसे आप सनलाइट नहीं दें तो ये बहुत अच्छे से इनके कलर्स निकल कर आते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं कितना डार्क शेड लग रहा है पिंक का, तो ये सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी इस तरह के प्लांट्स अपने घर में ऐड कर सकते हैं। तो ये दो वेराइटी हैं क्रोटॉन की, दोनों बहुत ही प्यारी हैं। तो इस तरीके से मेरे प्लांटर्स जो मैंने टिन के बनाए थे उनके साथ मेरे क्रोटन के प्लांटर्स भी बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। और यहाँ पर मेरा पांडुराम आ गया, जिसे मैं प्यार से पांडुराम बोलती हूँ, मीन्स पांडा। और आप इसकी कोलियस की खूबसूरती देख रहे हैं, इसकी जो ये शेप है मैंने खुद से मेंटेन करी है, इसकी पिंचिंग कर कर के, और इसकी शेप को मैं ऐसे ही बनाकर रखना चाहती हूँ, तो ये देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। इसे हम फ्लावर शो में ले गए थे, वहाँ पर भी लोगों को ये बहुत पसंद आया था। और इधर मेरा जो प्लांटर है जिसमें मैंने हॉबिट हाउस बना रखा है क्ले से, ये भी बहुत अमेजिंग लगता है। बट अब जो दिखा रही हूँ ये मेरा मोस्ट अमेजिंग पार्ट है, ये मेरा फेवरेट प्लांट है। आप बोलेंगे सारे ही फेवरेट प्लांट है, तो जी हाँ, प्लांट लवर्स के लिए सारे प्लांट बहुत फेवरेट होते हैं। बट ये मेरा बहुत ज़्यादा मन था काफ़ी टाइम से ख़रीदने का, बट ये बहुत कॉस्टली प्लांट्स आते हैं, 350-400, और ये बहुत जल्दी मिलते भी नहीं हैं हर नर्सरी में। बट जैसे ही मुझे ये अपनी नज़दीकी नर्सरी में मिले मैंने फटाक से उठा लिए और दो कलर्स में ले आई, एक ग्रीन और एक पिंक। आप देख सकते हैं इनकी कितनी अच्छी खूबसूरती होती है। तो इधर आ गए मेरे ग्रूट प्लांटर्स, इसमें मैंने सीडम लगा रखे हैं, और आप देख रहे हैं कितना प्यारा हेयर स्टाइल है मेरे ग्रूट का, ऐसा अमेजिंग किसी का भी नहीं होगा हेयर स्टाइल। तो ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है देखने में। और इधर के दो जो ग्रूट प्लांटर्स हैं उसमें मैंने क्रिप्टेंथस लगा रखे हैं, ये ब्लैक क्रिप्टेंथस बहुत स्लो ग्रोथ कर रहा है, बट उसी की जगह पर पिंक वाला क्रिप्टेंथस इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है कि मैंने इससे कितने मल्टीपल प्लांट्स बना लिए हैं डिवाइड करके, और मैंने कितने गिफ्ट में भी दे दिए हैं। तो पीछे मेरे इमोजी प्लांटर्स आप देखिए कितने प्यारे कोलियस लगे हुए हैं, और सारे डिफरेंट कलर्स हैं, पांच अमेजिंग कलर्स के कोलियस कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इधर आ गया मेरा ड्रीम गार्डन, ये तो मेरा ड्रीम गार्डन है ही फ्रेंड्स, चाहे चैनल का नाम बदल गया हो। और मेरे पास कुछ पुराने क्ले के एक आइटम पड़े हुए थे डेकोर के, जिनको मैंने पेंट कर कर एक नया लुक दे दिया है, और देखने में ये ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा टैंगल्ड हार्ट लगा हुआ है जो कि मिक्स हो गया है टर्टल वाइन के साथ। तो इस तरफ की जो मेरी पिलर पर मैंने अपनी पुरानी DIYs लगा रखी हैं, प्लास्टिक बॉटल का DIY, और ये भी मैंने पेंट करा है, तो देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है इसमें गोल्डन का टच देकर। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी क्ले वर्क जो भी हमारे पास होता है अगर, तो हम उसको कलर कर देंगे तो वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। यहाँ का टेंगल्ड हार्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा ग्रो हो रहा है, और मेरी बटरफ्लाई और ऊपर हमारी प्लास्टिक बॉटल की आर्ट, ये क्राफ्ट भी काफ़ी पसंद आती है लोगों को। यहाँ पर मैंने एक और जो ऐड किया है वो है आयरन का स्टैंड, जिस पर मेरे सारे स्मॉल प्लांटर्स, सिरेमिक प्लांटर्स और हैंडमेड DIYs रखे हुए हैं मैंने। यहाँ पर जो मेरा डॉल प्लांटर है ये भी काफ़ी पसंद आता है, एक तो मेरा सेल भी हो गया है और बाकी मेरे पास ऑर्डर भी आते रहते हैं, तो आप भी अगर कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
ये पर्पल वाला मैंने कुल्लड़ से बनाया है जो लस्सी मिलती है। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हार्ट शेप सेरेमिक प्लांटर है। और बाकी सारे में मेरे जो सकुलेंट्स लगे हुए हैं टचवुड वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो एंट्रेंस का जो लेफ़्ट एरिया है मेरा लेफ़्ट वॉल का पिलर्स के साथ, ये भी बहुत अच्छे से सारा एडजस्ट हो गया है। सारे प्लांटर्स प्लांट्स सब देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। छोटे प्लांटर्स का जो स्टैंड बना है वो तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और मेरे पूरे जो एंट्रेंस का एक नया मेकओवर है वो इस तरह से निकल कर आया है देखने में। एक तरफ पर सिटिंग एरिया बना दिया है मैंने और प्लांट्स कम यूज़ किए हैं, और दूसरी तरफ मैंने सारे प्लांट्स यूज़ किए हैं क्योंकि इस तरफ से थोड़ी सनलाइट भी आती है अच्छी। तो ऐसे प्लांट्स को आप सनलाइट में रखिए तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, और वाटरिंग भी बहुत ज़्यादा ना करें। टर्टल वाइन के आप हैंगिंग्स देख रहे हैं कितने अमेजिंग लग रहे हैं। एक ग्रीनरी ऐड कर देते हैं हमारे एरिए को जो कि देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। ये आ गया मेरा नाइट व्यू। नाइट व्यू में तो इसकी सुंदरता अलग ही नज़र आती है। प्यारी प्यारी लाइट्स चल रही होती हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है ये एरिया देखने में। यहाँ पर मैंने कैंडल्स लगा रखी हैं और थोड़ी लाइट्स लगा रखी हैं। अब दिवाली भी आने वाली है तो इस एरिया में और बहुत ज़्यादा लाइट्स ऐड कर सकती हूँ मैं। तो आप भी अपने एंट्रेंस पर इस तरह की डेकोरेशन कर कर अपने एंट्रेंस को और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आई रियली होप कि आपको मेरे ये आइडियाज़ डेकोरेशन के पसंद आए होंगे। कुछ मेरी DIY से मैंने डेकोरेट किया हुआ है, कुछ चीज़ें मेरी रेडीमेड हैं। तो दोनों चीज़ों से मिलाकर मैंने अपनी इस एंट्रेंस को डेकोरेट करा है। और मेरा ये डेकोरेशन आप सबको कैसा लगा, आइडियाज़ कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मेरे नए व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं हर संडे को अपनी नई वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। चलती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।